हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। इसी के तहत आज हम स्विंग ट्रेडिंग का एक स्टॉक देखेंगे जो कि अभी लो लेवल पे है, यानी स्पोर्ट के आसपास है। अगर किसी ने पहले बाई कर रखा है तो उसमें एवरेज कर सकते हैं, और न्यू बाई करना चाहे तो कुछ अमाउंट में जो है आप बाई भी कर सकते हैं। तो उससे पहले एक बार निफ्टी के लेवल देख लेते हैं, निफ्टी 50 के लेवल। तो फ्रेंड्स, जैसा आप ये लो देख सकते हैं, ये इधर वाला, तो ये 15671 का था, और आज का निफ्टी ने जो लो बनाया है 15735 का, तो ये लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। और कल हो सकता है थोड़ा मार्केट फिर डाउन रहे, बट ये लेवल इसी के आसपास का जो एक रेंज बना के और मंडे से जो है ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक अजम्पशन है, अब देखते हैं होता क्या है। फ्रेंड्स, ये जो टेक्निकल एनालिसिस रहता है वो यही है कि पुराना जो लो है कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यही सब देखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये लो था, तो यहाँ पे अगर ये इसी लो के आसपास जो आके और ऊपर जाता है तो फिर इसमें जो है बाउंस बैक आएगा। क्योंकि जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सेंटिमेंट भी रहता है, टेक्निकल भी रहता है। तो सेंटिमेंट देख सकते हैं कि जैसे ही गिरावट आती है तो इसमें फिर जो है हाई सेलिंग आती है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, और उससे फिर कंटिन्यू डाउन आता रहता है। फिर जब बायर आएंगे तो वो देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, उसी के आसपास जो है फिर एंट्री लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर सकता है। अब कल देखते हैं कैसा मार्केट रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के अगर स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पर जो लो बना है तो ये देख सकते हैं इसी लो के आसपास है, और इधर जो आई था ये आई, तो इसी रेंज में है ये। तो आप कुछ अमाउंट में अगर चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते हैं, और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर आप इसको जो है 10-12-15% के प्रॉफिट के लिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अमाउंट में बाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी कंटिन्यू गिरावट के बाद यहाँ से बाउंस बैक के चांस हैं। और जैसे ही ये इधर से रिवर्स लेगा तो फिर ये जो पॉइंट है ये इसका जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं तब तक जो है 12-15% के प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एनालिसिस करके एंट्री कीजिए और लोट्स में बाई कीजिए। ज़्यादा अमाउंट में बाई नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी गिरावट है, और अगर किसी ने पहले बाई कर रखा है तो इसको थोड़ा अमाउंट में लेके और एवरेज भी कर सकते हैं। मैं जो है ये एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो आपको खुद का एनालिसिस करना है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट है तो उसके बाद जो है एक सेंटिमेंट यही रहता है कि इसमें जो है एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री के पीछे जो रीज़न है वो यही स्पोर्ट है, ये जो दो पॉइंट हैं, और इधर जो है इधर के आई और ये देख सकते हैं, तो इसी पॉइंट के आसपास जो है स्पोर्ट ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।